नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज का विषय डबल ब्रेन लाइन। हमारी हथेली पर दो मस्तिष्क रेखा होने का प्रभाव दुर्लभ होता है, लेकिन मिलता है कि जातक की एक्टिव पाम के ऊपर हमें डबल ब्रेन लाइन देखने को मिल जाती है। जातक को कुछ लक्षण बनाती है, जैसे एक आम आदमी के पास में अगर एक ब्रेन लाइन है तो मतलब उसके पास अच्छी मानसिक क्षमता होगी। अगर डबल ब्रेन लाइन है तो वह ऐसा जातक आम लोगों से थोड़ा हटके होगा। अब उसके पास जो उसकी मेगा शक्ति है, जो उसकी मानसिक क्षमता है, अब उसके अंदर डबल हो गई। डबल होने से क्या होगा कि जातक ना कुछ खास विशेष बनेगा। कैसे? देखिए, यदि दोनों रेखाएं स्पष्ट गहरी हों समान रूप से और वहाँ पर कोई अशुभता ना हो तो ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, सद्गुणी होता है, दार्शनिक, कवि, लेखक, चित्रकार, साहित्यकार, कुछ भी हो सकता है। कला के प्रति विशेष प्रेम होगा उसको। साथ में ब्रेन लाइन है ना, साइंस में भी रुचि होगी। ऐसे लोग अनुसंधान के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करते हैं और मित्रता को निभाते हैं, प्रेम संबंधों को निभाते हैं। हाँ, पहली बात तो दुश्मनी करेंगे नहीं, अगर हो गई तो भूलेंगे नहीं, बदला लेके रहते हैं ऐसे लोग। बड़े दृढ़ संकल्पी होते हैं, वेल डिटरमाइंड। एक बार किसी को वचन दे दिया तो दे दिया। आकर्षक व्यक्तित्व तो होता है, बिल्कुल मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, औरों को भी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं, अनेक विद्याओं पर अच्छी पकड़ होती है। स्पष्ट बोलते हैं ना तो अक्सर लोगों को बात चुप जाती होगी, लेकिन वो इस बात का लोहा जरूर मानेंगे कि जातक कुछ खास तो है। साथ में ना ऐसे लोगों का ना योग, साधना, मोक्ष आदि में बड़ा झुकाव रहता है, बड़ी रुचि होती है उनकी। साथ में दोहरी मस्तिष्क का मतलब है कि जातक दो प्रकार के व्यवसाय, कार्य और पदों पर एक साथ सफलतापूर्वक काम कर सकता है और इनके आमदनी के साधन भी अक्सर दो ही होते हैं। इनके अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, उन्हें अनुशासन में रखने की क्षमता होती है, बड़े मेहनती और कर्मठ होते हैं और स्वस्थ होते हैं अक्सर। और एक बड़ी बात, 35 से 50 वर्ष की आयु के बीच ना जातक को विरासत में धन, संपन्नता या संपत्ति मिलने का प्रबल संभावना होती है। बस ध्यान ये रखा जाए कि दोनों रेखाएं दोष मुक्त हों। लेकिन देखिए, ऐसे इस हाथ पर है दो मस्तिष्क रेखाएं, दोनों अच्छी, लेकिन दूसरी जो ब्रेन लाइन है ना वो तकरीबन 20 के बाद एक्टिव हो रही है,
तो 20 तक तो जातक आम ही रहेगा जैसे लोग होते हैं, वैसा ही बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, लेकिन 25 के बाद उसकी सेकंड ब्रेन लाइन एक्टिव हो जाएगी, अब वो विलक्षण हो गया, अब उसके अंदर क्षमता आ गई, मानसिक कुशलता, मानसिक कौशल, और वो भी आम से डबल, बहुत ही शुभ होता है। ऐसे जातक विपरीत परिस्थिति में नहीं घबराते और अनोखा करते हैं, अनोखा सोचते हैं। तो हमारी हथेली पर दो ब्रेन लाइन दिखना बहुत अच्छा है, अगर दोनों हथेली में है तो बहुत बहुत ही विलक्षण। आप अपनी प्रेडिक्शन बड़े विश्वास के साथ कर सकते हैं कि ऐसा जातक अद्भुत तरक्की करता है। तो ये कुछ तथ्य थे डबल ब्रेन लाइन के बारे में। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।